हेलो बच्चों, ऑल राइट, हेलो एवरीवन. सो वेलकम बैक. दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला एंड आई एम योर वेरी ओन टीना मैम, योर जूलॉजी मेंटर, एंड दिस इज योर वेरी ओन पेस बैच. सो हाउ आर यू ब्यूटिफुल स्टूडेंट्स? आई हैव बीन रीडिंग योर कमेंट्स. कल शायद मैं ब्यूटिफुल स्टूडेंट्स मैंने नहीं कहा था, कुछ और कह दिया, और लिटरली तुमने कमेंट सेक्शन में लिख दिया कि मैम आज आपने हमें ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स नहीं कहा. और एक का कमेंट ये था कि मैम हाउ डू यू नो दैट वी आर ब्यूटीफुल? आई नो वी ऑल आर ब्यूटीफुल बिकॉज वी ऑल आर बॉर्न ब्यूटीफुल. सो दिस इज हाउ वी नीड टू बिलीव इन आवर लाइव्स, वी ऑल आर ब्यूटीफुल. चलिए, सो इस पॉजिटिव थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सो वेलकम बैक. As said, this is your very own pace batch. And guys, we have completed two chapters of human physiology. One is breathing and exchange of gases, your respiratory system. And previous lecture mein humne complete kiya tha aapka circulatory system, body fluids and circulation. I have been going through your comments mein, jitne bhi questions pooch rahi hu, aap unke bahut hi achhe tarah se answers de rahe. एंड येस, कल हमने ECG डिस्कस किया था तो उसमें हमने थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला कर दिया. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर गोइंग थ्रू द लेक्चर वेरी सीरियसली एंड वेरी रिलीजियसली, राइट? तो हम जब PQRST वेव्स पढ़ रहे थे तो मैंने जॉइंट डायस्टोल को गलती से 0.3 सेकेंड्स लिख दिया था और बीच बीच में मैं 0.4 सेकेंड्स बोल रही थी. सो दैट वॉज बाय मिस्टेक. येस, जॉइंट डायस्टोल इज 0.4 सेकेंड्स ओनली. इज दैट क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर मैंशनिंग दैट. चले, और मैंने आपके बाकी आंसर्स भी चेक किए, सो आंसर्स आप परफेक्टली फेल, ठीक है? सो आई एम श्योर कि आपको वो पिछले दो चैप्टर्स बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे. NCERT हम बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे गाइस, ठीक है? आई नो यू हैव बीन लविंग दैट रॉक एंड रोल विद NCERT, लेकिन टाइम कम है तो इसलिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं NCERT के क्लास में रिवाइज करूंगी, ठीक है? बट आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट कि आप क्लास में NCERT लेके बैठिए, ठीक है? प्लीज़ ब्रिंग NCERT इन द क्लास. अभी भी अगर NCERT नहीं है तो प्लीज़ पॉज करके एक बार NCERT ज़रूर उठा लो और मेरे साथ तुम क्लास में NCERT सामने रखोगे, वहीं पे एक्स्ट्रा नोट्स बनाओगे उन शीट्स में, ठीक है? जैसे कि मैंने पहले दिन बताया था कि नोट्स बनाने के लिए बेस्ट चीज़ होती है NCERT की बुक, ठीक है? उसी के ऊपर एक्स्ट्रा नोट्स बना लो, जो चीज़ें बुक में दी हुई हैं वहीं पे मेंशन कर लो, एंड दैट इज़ ऑल. इज इट क्लियर? डोंट वेस्ट टू मच टाइम इन मेकिंग नोट्स. चलिए, सो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर गाइज, दैट इज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, थर्ड चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, है ना? इतनी तेजी से हमारा काम हो रहा है और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि हमारा सिलेबस कब खत्म हो गया. कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स में पूछ रहे हैं मैम स्पीड से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, सो यू डू नॉट हैव टू वरी कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं. एवरीथिंग इज प्लान्ड. इज दैट क्लियर? सो प्लीज जस्ट लीव इट ऑन अस, हैव ट्रस्ट एंड जस्ट कीप वर्किंग. रोज का काम रोज करते रहो. कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी लिखा है कमेंट सेक्शन में कि मैम मेरे पिछले बहुत सारे लेक्चर्स रह गए हैं वो बैकलॉग में, तो वो मैं कैसे करूं? तो सिंपल सी बात है, बैकलॉग को कंप्लीट करने का एक ही तरीका होता है कि जो आज करवाया जा रहा है गाइस उसको तो आज का आज ख़त्म करो और एक्स्ट्रा टाइम निकालो, ठीक है? मेक एक्स्ट्रा टाइम, मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स कि जो बैकलॉग है उसको आप कवर अप कर पाओ. क्लियर? चले, स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर के साथ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड द एलिमिनेशन. वंस अगेन आई होप यू ऑल हैव NCERTs इन फ्रंट ऑफ यू. डन? चले, सो सबसे पहले तो हम अपने चैप्टर का मतलब समझेंगे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड द एलिमिनेशन. एलिमिनेशन का मतलब है निकालना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को निकालना. बट बात यह आती है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं क्या, एक्सक्रीशन क्या है. आई नो तुमने 10th स्टैंडर्ड में भी लाइफ प्रोसेसेस में एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ये पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा उसी में और डिटेल ऐड करते हैं. चलिए, सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द वेरी वर्ड मीनिंग ऑफ टर्म एक्सक्रीशन, ठीक है? थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं. देखो, डू यू रियलाइज कि अगर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ना होता तो शायद एक चिप्स का पैकेट खा के भी हम मर सकते थे. अजीब लग रही है बात, बट ये सच है. इतना नमक होता है उस चिप्स के पैकेट में, और ख़ास तौर पे जब चिप्स ख़त्म हो जाते हैं वो लास्ट में वो जो थोड़ा थोड़ा पाउडर सा रह जाता है, वो नमक रह जाता है, वो मसाला रह जाता है, उसको तो चाट चाट के खाने में अलग ही मज़ा आता है ना?
लेकिन वो मसाला, वो मजेदार जो मसाला है, वो चटपटा मसाला जो है, दैट कुड हैव किल्ड अस गाइस. यस, इट हैज लॉट्स ऑफ सॉल्ट, बट आवर बॉडी डजंट रिक्वायर दैट मच सॉल्ट जितना कि हम रोज रोज खाते हैं. नमक थोड़ा सा भी मम्मी ने सब्जी में कम डाल दिया तो शिकायतें शुरू हो जाती है, नमक कम है, ये कम है, वो कम है. लेकिन इतना नमक क्या आपकी बॉडी को चाहिए? इतना पोटाशियम, इतना सोडियम. अगर हमें बनानास खाने पसंद है, तो आई रिमेम्बर देर वॉज अ टाइम आई यूज टू लव बनानास, और मैं एक एक दिन में आई यूज टू ईट 12 बनानास इन अ डे विदाउट रियलाइजिंग दैट मोर देन 7 बनानास कुड हैव किल्ड मी इफ आई डिड नॉट हैव दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो लेट्स डेडिकेट दिस लेक्चर टू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल एक्सक्रीटरी सिस्टम हु इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग अस. और हम बिना सोचे समझे खा रहे हैं, लेकिन इसने हमारा ध्यान रखा हुआ है. ठीक है, चले. सो ये वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है. हमने पिछले चैप्टर में ब्लड पढ़ा है. ब्लड के अंदर हमने देखा है कि हर चीज़ का एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, फिक्स्ड अमाउंट रहना चाहिए. ठीक है, कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन होना चाहिए ब्लड के अंदर. व्हाट डू वी कॉल इट? होम्योस्टेसिस, है ना. ग्लूकोज के अगर ए यूनिट्स होने चाहिए तो ए ही होने चाहिए. अगर ए प्लस वन होता है तो उस प्लस वन को निकाला जाएगा या उसको स्टोर कर लिया जाएगा. ठीक है, देन इसी तरह से सोडियम, पोटेशियम, वाटर एक्स्ट्रा पी लिया. सुन लिया जी हमने टीवी में कि अच्छा ज़्यादा पानी पीने से स्किन ग्लो करती है, तो आज जोश में आके हमने बहुत ही पानी पी लिया है. तो वो जितना एक्स्ट्रा पानी पी लिया, क्लियर, या बाकी के दिन हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, पानी पी ही नहीं रहे, वी आर एक्टिंग लाइक अ कैंगरू रैट हु डजंट ड्रिंक वाटर. तो फिर वो बॉडी किस तरह से अपना मैकेनिज्म मेंटेन करती है, किस तरह से अपना बैलेंस मेंटेन करती है? सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट इन दिस सिस्टम, बिकॉज दिस इज द सिस्टम विच इज गोइंग टू डू इट ऑल, मेंटेन बैलेंस इन योर बॉडी. और बैलेंस गाइज बॉडी में हो, लाइफ में हो, बहुत ही जरूरी होता है. चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन. देखो, एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? एक्सक्रीशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट. यहां पे ऐड करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट. और ये कैसा नाइट्रोजनस वेस्ट है? मेटाबॉलिक. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट डू वी मीन बाय मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल जो होगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. तो जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है आपकी बॉडी के अंदर, उसके रिमूवल को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन. देखो, हमने अभी डाइजेशन नहीं किया है, सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट चैप्टर वेरी सून. नाउ अंडरस्टैंड दिस. सी, दिस इज योर गट. गट इज योर एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, उसके बाद गट से चीजें जाती हैं आपकी ब्लड के अंदर. सो से दिस इज ब्लड. ठीक है, और ब्लड उसको कहाँ तक कैरी करता है? ब्लड उसको कैरी करता है अल्टीमेटली टू योर सेल्स, बिकॉज जो भी चीजें हम खा रहे हैं वो कहाँ चाहिए? आपके सेल्स को चाहिए. क्लियर? नाउ सी व्हाट विल हैपन. हमने खाना खाया, ठीक है, दिस इज द फूड, इनटेक किया फूड का, एलिमेंट्री कैनाल में जाके उस फूड का ब्रेक डाउन होता है, राइट, डाइजेशन होती है. और डाइजेशन के बाद, सो दिस इज डाइजेशन अकरिंग. डाइजेशन के बाद बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, दीज आर ऑल न्यूट्रिएंट्स. इन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर किया जाता है ब्लड के अंदर. ठीक है, सो दीज आर ऑल न्यूट्रिएंट्स, ऑल न्यूट्रिएंट्स, एंड ब्लड इज गोइंग टू कैरी इट टू द सेल्स. ठीक है, अल्टीमेटली ये सारी चीजें हम क्यों खा पी रहे हैं? क्योंकि सेल्स को चाहिए. भूख किसको लगती है? सेल को लगती है. क्लियर? तो सेल्स रिक्वायर दीज न्यूट्रिएंट्स टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज इन द बॉडी. क्लियर? तो हमने ये न्यूट्रिएंट्स को कहाँ पहुंचा दिया? सेल्स तक. अब जो चीजें आपने खाई थी उनमें से बहुत सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं भी होती हैं, सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता. ठीक है, तो जो चीज आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती उसको बॉडी निकाल देती है, उसको एज सच निकाल देती है. तो देखो, अनडाइजेस्टेड फूड का निकलना, दिस इज नोन एज डेफिकेशन. दिस इज नोन एज डेफिकेशन या फिर इजेशन. अब यहां से तुम्हें पता लगेगा कि ये जो दो टर्म्स में तुम हमेशा गड़बड़ करते हो, क्या डिफरेंस है. वन इज इजेशन. इजेशन में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का रिमूवल होता है, यानी जो कभी भी सेल तक पहुंचा ही नहीं, एलिमेंट्री कैनाल में तुमने डाला. सो गट इज योर लाइक योर जूसर. ऊपर से तुम फ्रूट्स डाल रहे हो, जूस निकलता जा रहा है, और वो जूस कहाँ पहुंच रहा है? सेल्स तक. और जो बाकी का पल्प है जिसके अंदर कोई जूस नहीं बचा, उसको बॉडी निकाल देती है. ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट जो बॉडी से निकलता है उसके रिमूवल को क्या कहेंगे? डेफिकेशन या इजेशन. नाउ व्हाट इज एक्सक्रीशन?
अब ये जो न्यूट्रिएंट्स सेल्स तक पहुंचे हैं, इन न्यूट्रिएंट्स ने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है सेल के अंदर, एंड ड्यूरिंग दोज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होंगे उसके रिमूवल को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, सो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, देखो इन न्यूट्रिएंट्स ने बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करना है, सो दे विल बी ए पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, इनका मेटाबॉलिज्म होगा, ब्रेक डाउन बिल्डअप प्रोसेसेस बहुत सारी चलेंगी, एंड उसके दौरान जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा, सेल के अंदर, उसके रिमूवल को वो वापस कहाँ डाल दिया जाता है, ब्लड के अंदर। तो ब्लड में से उस नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेशन। आई थिंक आज के बाद तुम्हें बहुत क्लियरली डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सक्रीशन यूरिन बनता है, ठीक है, और एक इजेशन के एंड में बनता है सॉलिड वेस्ट, दैट इज फीसेस। इज इट क्लियर? तो फीसेस बनती है उन चीजों से जो कभी भी मेटाबॉलिज्म का पार्ट बने ही, यानी सेल तक गए ही नहीं, सेलुलर एक्टिविटीज का हिस्सा बने ही नहीं है। क्लियर? जो चीजें सेल तक पहुंची है एंड सेलुलर एक्टिविटीज के अंदर जो सेलुलर एक्टिविटीज जो हुई है उस दौरान जो नाइट्रोजनस वेस्ट बना उसके रिमूवल को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। इज इट क्लियर? सो एक्सक्रीशन का, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसका नंबर वन रोल है, एज आई हैव सेड, यू कैन ईट लॉट्स ऑफ पैकेट्स ऑफ चिप्स। ठीक है, यानी कि जो भी आप एक्स्ट्रा चीजें खा रहे हैं बॉडी उसको निकाल रही है, तो बॉडी क्या कर रही है, ब्लड के अंदर एक कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर रही है, बैलेंस मेंटेन कर रही है, दिस इज नोन एज होम्योस्टेसिस। ठीक है, और जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है उसको रिमूव कर रही है, दैट इज एक्सक्रीशन। तीसरा, मैंने बताया कि आज हमने जोश में आके ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ज्यादा पानी पी लिया, तो एक्स्ट्रा वाटर जो आज आपने जोश जोश में पी लिया है उसको निकालना, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स जो आपने खा लिए हैं उसको निकालना, तो उसके रिमूवल को क्या कहेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये तीन फंक्शंस क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन मीन्स नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल, ऑस्मो रेगुलेशन इज रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, एंड थर्ड आई हैव टोल्ड यू होम्योस्टेसिस मेंटेन करना। इसके अलावा एक और फंक्शन किडनी परफॉर्म करती है, दैट इट हेल्प्स इन ब्लड फॉर्मेशन, इट विल स्टिमुलेट योर बोन मैरो टू प्रोड्यूस ब्लड फॉर्मेशन। सो यस, इसका रोल ब्लड फॉर्मेशन में भी आएगा। अब ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही, सो दिस इज दैट फंक्शन दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग लेक्चर्स, कि किडनी किस तरह से ब्लड फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करती है। ठीक है, सो स्टे विद अस, लेट्स कंटिन्यू। सो देखते हैं कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं ड्यूरिंग द सेलुलर एक्टिविटीज। सो फर्स्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। ठीक है, उसके अलावा वील हैव यूरिया, बहुत सारे बनते हैं, एंड यूरिक एसिड। तो ये तो चीफ वेस्ट हैं, ये तीन तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो कि मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेस्ट से, जैसे कि क्रिएटिन। ठीक है, वी ऑल्सो हैव क्रिएटिनिन, देन वी हैव टी एम ए ओ, ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड, ये मरीन ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ठीक है, TMAO, देन वी ऑल्सो हैव हिप्यूरिक एसिड, तो हमारे अंदर भी हिप्यूरिक एसिड बनता है। देखो, एक होता है हमारा चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे तरह के वेस्ट हमारी बॉडी में बनते हैं, हिप्यूरिक एसिड। इज इट क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट दैट अ बॉडी इज गोइंग टू प्रोड्यूस। देन कईयों के अंदर बनता है ग्वानिन। ठीक है, सो ग्वानोज बनते हैं बर्ड्स के अंदर। ये क्या है, ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं, सो इसको अभी धीरे धीरे हम डिस्कस करते रहेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स दैट द बॉडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस, लेकिन इसमें से जो मेन हमने डिस्कस करने हैं, सॉरी ये क्या हो गया, सो यस, सो दिस इज द चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इज दैट क्लियर? चलो अब इनके बारे डिस्कशन करते हैं। सो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो तीन एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, उस बेस पे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स को भी हमने क्लासिफाई कर दिया है। सो वी हैव क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू थ्री कैटेगरीज। वन, जो अमोनिया बनाते हैं। ठीक है,
तो जो अमोनिया रिलीज करेंगे उनको हम बोलने वाले हैं अमोनोटेलिक, उनको क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक, क्लियर। जो यूरिया रिलीज करेंगे दे विल बी नोन एज यूरियोटेलिक। चलो जी, बोर्ड की मनमर्जियां शुरू। एंड थर्ड इज यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड रिलीज करेंगे तो वील कॉल इट यूरिकोटेलिक। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द मेन एक्सक्रीटरी वेज दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस। ठीक है, अमोनोटेलिक नाम से पता लग रहा है क्या रिलीज करेंगे? अमोनिया। ठीक है, अब अमोनिया समझो, अमोनिया वो ऑर्गेनिजम्स रिलीज कर सकते हैं जिनके पास बहुत पानी है, क्योंकि अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। अमोनिया, दिस इज द मोस्ट टॉक्सिक, मोस्ट टॉक्सिक। सो इस बोर्ड में जरूर कुछ जादू है, मैं लिखती यहाँ पे हूँ, पहुंच वहां पे जाता है, कोई बात नहीं, ये जादू की क्लास में ही रहते हैं हम। सो अमोनिया देन मोस्ट टॉक्सिक है, ठीक है, और इसको रिमूव करने के लिए वी नीड मैक्सिमम वाटर। अच्छा, अच्छी बात ये है कि वाटर के अंदर ये अच्छा खासा सॉल्युबल भी होता है, इट इज क्वाइट सॉल्युबल, वेरी रेडिली सॉल्युबल, रेडिली या हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इज इट क्लियर? रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, क्लियर। सो जैसे ही अमोनिया बनता है एज सच उसको निकाल दिया जाता है, और ये कौन रिलीज करेंगे? जो एक्वेटिक होंगे। ठीक है, तो पानी इनको बहुत ज्यादा चाहिए, दे नीड मैक्सिमम वाटर, तो ये वही रिलीज कर सकते हैं अमोनिया जिनके पास एक्सेस वाटर है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म जो पानी में रह रहा है वो अमोनिया ही रिलीज करेगा। दैट इज ऑल्सो पॉइंट। सी, ऑल अमोनोटेलिक्स आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, बट ऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरली अमोनोटेलिक। इज दैट क्लियर? अब फिनोमिना को क्या कह देंगे? फिनोमिना टू रिलीज अमोनिया विल बी नोन एज अमोनोटेलिज्म, दिस विल बी नोन एज अमोनोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म। इज दैट क्लियर? अब बात आती है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो अमोनोटेलिक हैं। गाइज, आई होप यू हैव एनसीईआरटीज इन योर हैंड। सो वी आर रीडिंग द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, और सेकंड पैराग्राफ में ये सारे ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं। दिस इज द टॉपिक विच इज गिवन इन द सेकंड पैराग्राफ ऑफ योर एनसीईआरटी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दी हुई है एग्जाम्पल्स आपकी। तो देखो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, लेट्स अंडरलाइन, आई विल राइट इट। देखो पानी में रहने वाले, नंबर वन, कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो आप लिख लोगे, अमीबा। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स हैं तो अंडरलाइन करेंगे हम, पैरामीशियम, क्लियर। इसके अलावा वील हैव फिशेस। अब आपको एक होमवर्क बता रही हूँ, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सी फिशेस। देखो दो तरह के फिशेस होती हैं, एक होती है बोनी, एक होती है कार्टिलेजनस। यू हैव टू टेल मी कि कौन सी फिशेस हैं जो अमोनोटेलिक हैं, और कौन सी होंगी जो यूरिया रिलीज करेंगी तो यूरियोटेलिक होंगी। इज अ क्लियर? सो दैट इज द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे दैट यू हैव टू आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। ऑल राइट, सो इज दिस क्लियर? इसके अलावा जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, सारे इंसेक्ट्स नहीं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, क्लियर, दे विल ऑल्सो बी रिलीजिंग अमोनिया। डन। अब जो ऑर्गेनिजम्स लैंड पे आ गए, तो जो लैंड पे आ गए उनके पास पानी कम था, तो उन्होंने एक नया मोड डेवलप कर लिया, इवॉल्व कर लिया, बेटर एक मटेरियल बना लिया कि जो अमोनिया, अमोनिया को तो निकालना ही है, ठीक है, लेकिन उस अमोनिया को कन्वर्ट कर सकती है उनकी बॉडी इन द लेसर टॉक्सिक फॉर्म, क्योंकि उनके पास उतना पानी नहीं है। सो दैट लेसर टॉक्सिक फॉर्म इज यूरिया। तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होती है अमोनिया, उससे कम होता है यूरिया, और लीस्ट टॉक्सिक होते हैं, लीस्ट टॉक्सिक क्या होता है? यूरिक एसिड, क्लियर। सो देखो यूरियोटेलिक में क्या रिलीज करेंगे? यूरिक, यूरिया। ये इसके कंपैरिजन में मॉडरेटली टॉक्सिक है, ठीक है, इट इज मॉडरेटली टॉक्सिक, क्लियर। ये इंटरमीडिएट रहेगा, मॉडरेटली टॉक्सिक, कैन यू डू दिस? इसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ये मॉडरेटली सॉल्युबल होता है, ठीक है, इसके फिनोमिना को क्या कहेंगे? यूरियोटेलिज्म। इज इट क्लियर? यूरियोटेलिज्म। डन। अब बात आती है कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। वंस अगेन बैक टू एनसीईआरटी, सी इट इज क्लियरली गिवन इन योर एनसीईआरटी कि यूरियोटेलिक कौन कौन से होंगे ऑर्गेनिज्म। सो वी हैव टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, एम्फीबियंस, सी राइट डाउन, और आप मार्क कर लेंगे जितने भी टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो लैंड पे रहते हैं। अब यहां पे एक चीज याद रखना, फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, ठीक
ठीक है, लेकिन फ्रॉग की जो लार्वल स्टेज होती है दैट इज टैडपोल स्टेज, वो टैडपोल स्टेज जो है वो पानी में रह रही है और टैडपोल जो होगा दैट विल बी अमोनोटेलिक, टैडपोल विल बी अमोनोटेलिक, लेकिन जब वो लैंड पे आ जाता है दैट टाइम इट बिकम्स यूरियोटेलिक, इज इट क्लियर? तो एम्फीबियंस, देन वील हैव अदर ऑर्गेनिजम्स, आर यू मार्किंग इट इन योर एनसीईआरटी? यूरियोटेलिक में और कौन कौन से आ जाएंगे? टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, योर मरीन फिशेस। देखो मरीन फिशेस आपकी एनसीईआरटी कहती है कि इट रिलीजेस यूरियोटेलिक, बट लेट मी टेल यू कि मरीन फिशेस टीएमओ भी रिलीज करती हैं, मरीन फिशेस। नाउ दिस वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इज इट क्लियर? चलो उसके बाद यूरिकोटेलिक, तो जिन ऑर्गेनिजम्स के पास और भी कम पानी था उन्होंने एक और इवॉल्व कर लिया, तीसरा नाइट्रोजनस वेस्ट दैट वॉज यूरिक एसिड। सो दिस इज लीस्ट टॉक्सिक, इसको लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ये लीस्ट सॉल्युबल होता है, इज इट क्लियर? और इसलिए इसको बॉडी में काफ़ी देर के लिए स्टोर किया जा सकता है। दिस कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी एट ऑल, जैसे जैसे बनता है बॉडी में से ये डिफ्यूजन से निकलता है। किडनीज इसके अंदर कोई खास रोल प्ले नहीं करती टू रिलीज अमोनिया, ये गिल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जैसे जैसे बनता है वो पतली मेम्ब्रेन जो गिल्स की होती है वहाँ से अमोनियम आयन्स निकलते रहते हैं, ठीक है? इन दोनों में किडनीज विल प्ले क्वाइट एन इंपॉर्टेंट रोल, क्लियर? सो तब देखो यहाँ पे लीस्ट टॉक्सिक होगा, इसको हम फिर भी स्टोर कर सकते हैं, इसको बिल्कुल स्टोर नहीं कर सकते अमोनिया को, यूरिया को थोड़ी देर के लिए स्टोर कर सकते हैं, यूरिक एसिड को लंबा टाइम स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, इज इट क्लियर? सो यहाँ पे सारे लीस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, क्लियर हो गया? सो इट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। अब देखो इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं। सो एग्जाम्पल्स हियर आर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, पानी बहुत कम है, बर्ड्स को उड़ना है, सो दे cannot afford to carry lot of water while flying, ठीक है? तो लीस्ट वाटर है तो क्या रिलीज करेंगे? यूरिक एसिड, तो यूरिकोटेलिक है। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इसी तरह से लैंड स्नेल्स, देखो जो एक्वेटिक स्नेल्स होंगे वो तो रिलीज करने वाले हैं अमोनिया, फाइन, जो लैंड स्नेल्स होंगे दे विल बी रिलीजिंग यूरिक एसिड। इसी तरह से लैंड इंसेक्ट्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स क्या रिलीज कर रहे थे? They were releasing ammonia. Land insects will be releasing uric acid. So these are very important examples. Examples of this topic are super duper important. Is it clear? चलिए आगे देखते हैं। अब excretory organs. So हमेशा की तरह अपने पे आने से पहले हम बाकी organisms के अंदर देखते हैं। देखो sponges यानी कि porifera, इनके अंदर sealant strata में यानी hydra, jellyfishes, right? एंड देन टीनोफोरा जिसमें कि कॉम जेलीज आ जाती हैं, ये आपने नाम पढ़े हुए हैं कभी ना कभी 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है? हम डिटेल में करेंगे एनिमल किंगडम बहुत आराम से, एंड आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू, डोंट नॉट बी स्केयर्ड ऑफ दैट चैप्टर। देखो तो इन सब के अंदर जनरल बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन हो जाती है, जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है? इनके अंदर कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते, नो स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, इज इट क्लियर? तो ये कहाँ से हो जाती है? जनरल बॉडी सरफेस से बाय डिफ्यूजन, और ये क्या रिलीज करते हैं? अमोनियम आयन्स, तो दे आर अमोनोटेलिक, ठीक है? उसके बाद प्लेटी हेलमेंथीज यानी आपके फ्लैट वर्म्स, तो प्लेटी हेलमेंट्स जो हैं इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं विच आर नोन एज फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स दो बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, फ्लेम सेल्स या इनको सोलिनोसाइट्स बोलते हैं। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम सेल्स, एक्चुअली अंदर ना कुछ फ्लेम जैसी शेप बनी होती है, सो वी कॉल इट फ्लेम सेल्स, ठीक है? देन वी हैव एस्केलमेंथीज, राउंड वर्म्स, एस्कैरस नाम सुना होगा, एस्कैरस के अंदर होता है एक एच शेप्ड सेल दैट इज कॉल्ड रेनेट सेल, दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, जल्दी से ऐड कर लो रेनेट सेल्स, ठीक है? उसके बाद वी हैव एनालिडा जिसमें कि अर्थ वर्म्स, लीच, ये सब आते हैं। तो एनालिडा के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है नेफरीडिया, ठीक है? व्हाट डज इट हैव? नेफरीडिया। एनालिडा के बाद वी हैव आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा फाइलम, ठीक है? मैक्सिमम डाइवर्सिटी इसके अंदर होती है, तो इतनी डाइवर्सिटी है कि उसके ऑर्गन्स के अंदर भी डाइवर्सिटी है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे। देखो किसी के पास कॉक्सल ग्लैंड्स हैं, किसी के पास ग्रीन ग्लैंड्स हैं, ठीक है? ग्रीन ग्लैंड्स को एंटेनरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, और अब तक तुम्हें पता लग गया है कि भाई कॉकरोच मेरा
फेवरेट इंसेक्ट है, ठीक है? तो कॉकरोच जैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है मालफीजियन टिब्यूल्स, ठीक है? क्या होती है? मालफीजियन टिब्यूल्स, क्लियर है? तो ये हो गया आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद आता है सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स, मोलस्का, जिसमें कि आ जाएंगी आपके ऑक्टोपस, ठीक है? ऑक्टोपस जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं मोलस्का, तो उसके पास किडनीज भी है। ये किडनीज हमारे जितनी एडवांस्ड नहीं होती, लेकिन किडनी जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, प्रिमिटिव किडनीज। दे हैव ऑर्गन ऑफ वोजानस। वोजानस इज इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है? केबर्स ऑर्गन। देखो ये तुम्हें यहाँ इस चैप्टर में लिखा हुआ बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ इसका रेफरेंस आने वाला है, तो प्लीज नोट इट डाउन राइट हियर, ठीक है? एनिमल किंगडम को ना आसान करने का तरीका यही होता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ उसको तोड़ तोड़ के पढ़ते जाओ, ये पहली ट्रिक है, फाइन? तो देखो आज इस चैप्टर में आपने क्या किया, आपने एनिमल किंगडम का एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला हर फाइलम की एक एक लाइन एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड जो है वो आपने यहीं पर पढ़ ली है, ठीक है? ऑल राइट। और उसके बाद देखो अकाइनोडर्माटा, स्टार फिशेस, ब्रिटल स्टार, ठीक है? ये सब जिसमें आते हैं, तो इनके अंदर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं होते, नो स्पेशल स्ट्रक्चर्स, नो स्पेशल स्ट्रक्चर्स। इनके अंदर जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है उसी के थ्रू एक्सक्रीशन भी होगी। ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, वी आर गोइंग टू रीड इट, ठीक है? एंड इसके बाद हेमीगॉर्डेटा, देखो हेमीगॉर्डेटा जिसके अंदर टंग वर्म्स आएंगे, ठीक है? इनके अंदर होती है प्रोबोसिस ग्लैंड, इनका आगे वाला जो हिस्सा है वहीं पे इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है। यहां लिख रही हूँ हेमीगॉर्डेट्स के अंदर, ऑर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है? प्रोबोसिस ग्लैंड। और फिर आ जाते हैं हम लोग कॉर्डेट्स, इनके अंदर आराम से लिख दो किडनीज, डन। चलो तो ये हो गया, सो यस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव ऑन टू द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम नाउ। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आते हैं जिसमें हमने बेसिकली ज़्यादा डिटेल करना है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर देखो क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है? ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स, उन किडनीज से अराइज होते हुए पेयर ऑफ यूरेटर्स प्रेजेंट हैं, जो ट्यूब्स किडनीज से यूरिन को कहाँ लेके जाएंगी, यूरिनरी ब्लैडर तक, जो स्टोर करता है, ठीक है? और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बाहर तक कैसे आता है, इट इज इवैक्यूएटेड थ्रू द ट्यूब नोन एज यूरेथ्रा, क्लियर? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट। सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किडनी का स्ट्रक्चर, क्लियर? तो ये आपकी एनसीईआरटी की फिगर है 19.1, आई होप यू रिकॉग्नाइज, एनसीईआरटी सबके सामने है, ठीक है? नाउ सी दिस इज किडनी, फाइन? ये मेडुला कॉर्टेक्स क्या है, दैट वी विल सी। अब यहाँ पे एक चीज देखो, नोटिस करो, जो आपकी राइट किडनी है, सो दिस इज द राइट किडनी, राइट किडनी लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में हल्की सी नीचे होती है, ठीक है? फर्स्ट थिंग, सो राइट किडनी इज स्लाइटली बिलो द लेफ्ट किडनी। व्हाई? क्योंकि इसके बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट है आपका लिवर। हमने जब लंग्स पढ़े थे तो हमने देखा था जो आपका राइट लंग है वो छोटा और मोटा है, क्यों? क्योंकि नीचे लिवर आ गया, तो लिवर ने उसको ऊपर पुश कर दिया था, है ना? तो लिवर दो काम कर रहा है, राइट लंग को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, छोटा और मोटा बना रहा है, और किडनी को नीचे पुश कर रहा है, क्लियर? सो देखो राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी ड्यू टू अबव लाइंग लिवर। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? लिवर प्रेजेंट है, अबव लाइंग लिवर, इज दैट क्लियर? उसके बाद ये जो ट्यूब्स अराइज हो रही हैं, कैन यू सी दीज ट्यूब्स, दीज ट्यूब्स आर नोन एज यूरेटर्स, हम एक एक के बारे पढ़ने वाले हैं। और ये पियर शेप्ड स्ट्रक्चर द ब्लैडर, और उसके आगे ये जो ट्यूब होती है, दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा, क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द डिटेल्स ऑफ किडनी। तो ओवरऑल यूरिनरी सिस्टम आपका क्या क्या काम करने वाला है, एज आई टोल्ड यू इट इज गोइंग टू कीप माई बॉडी बैलेंस्ड। तो इसके लिए क्या टर्म यूज होगी, होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगी, क्लीन्स द ब्लड, जो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा उसको निकालेगा, एलिमिनेशन करेगा नाइट्रोजनस वेस्ट की, एक्सेस सॉल्यूट्स जो आपने वो मसाला खा लिया है उसका चिप्स के पैकेट में जो लास्ट बचता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट ले लिया है, बहुत ज़्यादा आयंस ले लिए हैं, उसको रिमूव करेगा, और जो ग्लोइंग स्किन के लिए इतना ज़्यादा जोश में आके पानी पी लिया है उसको भी रिमूव करेगा, इज दैट क्लियर? सो दिस इज दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस। इसके अलावा मैंने तुम्हें बताया कि ये ब्लड फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करने वाला है, ब्लड फॉर्मेशन,
क्या कैसे, दिस इज अ बिग क्वेश्चन हियर, बट डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड कि किडनीज का ब्लड फॉर्मेशन में भी रोल आता है. क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं किडनी से. ठीक है, बीन शेप स्ट्रक्चर है, बचपन से देख रहे हैं. अब डिटेल्स देखेंगे कि ये किडनी है कैसी. ऑल राइट, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं हमारा बीन शेप्ड स्ट्रक्चर. दिस इज योर किडनी. ठीक है, अब देखो ये जो तुम्हें ऐसे कनकैविटी नजर आ रही है, दिस डिप्रेशन, दिस कनकैविटी, इस कनकैविटी को हम बोल देते हैं, इस कनकैविटी को बोलते हैं हाइलम. क्या बोलते हैं? हाइलम, हाइलम और हाइलस. ठीक है, यहीं से यूरेटर बाहर आना है, यहां से यूरेटर बाहर आएगा. सी दिस, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो एंटर करेंगी. सो ये आपकी रीनल आर्टरी है. ठीक है, एक इधर चली गई, एक इसकी ब्रांच इधर आ गई. तो रीनल आर्टरी, रीनल वर्ड इज फॉर किडनी. ठीक है, रीनल आर्टरी यहीं से एंटर कर रही है. क्लियर? और इसी तरह से रीनल वेन जो है वो वहीं से लीव कर रही है. सो यहाँ से पीछे से आपकी रीनल वेन आ रही है. ठीक है, सो रीनल वेन भी यहीं से ब्लड लेके जाने वाली है. दिस इज रीनल वेन. क्लियर? तो यहाँ से इसकी दूसरी ब्रांच जाएगी. क्लियर? तो ये जो डिप्रेशन है, जहाँ से कि आर्टरीज अंदर आ रही हैं, वेन्स निकल रही हैं, या यूरेटर एग्जिट कर रहा है, इस डिप्रेशन वाले एरिया को क्या बोलते हैं? हाइलम. समझ में आ गया? ओके, अब हर एक ऑर्गन के आसपास, हर एक वाइटल ऑर्गन के आसपास प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं, तो किडनी के पास भी है. तो किडनी के बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, द प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड किडनी, दिस इज नोन एज रीनल कैप्स्यूल. सो दिस इज नोन एज रीनल कैप्स्यूल. सो रीनल कैप्स्यूल इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ किडनी, प्रोटेक्टिव कवरिंग. ठीक है, चलो इसके फर्दर लेयर्स होती हैं, लेकिन वो हमें नहीं करनी है. तो इन शॉर्ट इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग. ऑल राइट, अब इसके बाद अब अंदर चलते हैं. तो ओवरऑल जो किडनी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, किसी भी ऑर्गन के बाहर वाले हिस्से को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले हिस्से को मेडुला बोलते हैं. तो पहले तो कॉर्टेक्स एंड मेडुला डिवाइड कर लेते हैं. सो सी, सो ये बाहर वाला जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स. किडनी से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होंगी वो रीनल कहलाएंगी, रीनल कॉर्टेक्स. दिस इज द आउटर पार्ट, एंड द इनर वाला पार्ट इज नोन एज रीनल मेडुला. इज इट क्लियर? अब रीनल मेडुला के अंदर देखो क्या प्रेजेंट है. रीनल मेडुला के अंदर ऐसे पिरामिडल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ट्रायंगुलर से स्ट्रक्चर्स, या ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, दीज पिरामिडल स्ट्रक्चर्स मेडुला के अंदर हैं, तो इनको मेडुलरी पिरामिड्स भी बोल सकते हो, या रीनल पिरामिड्स भी बोल सकते हो. सो दीज आर रीनल और मेडुलरी पिरामिड्स. क्लियर? दीज आर ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स. डन? और इनको अगर हम डिटेल में देखें तो इनकी ऐसी स्ट्राइटेड सी अपेरेंस होती है. इट हैज दिस स्ट्राइटेड अपेरेंस. ठीक है, स्ट्राइटेड अपेरेंस. अब रीनल पिरामिड्स के बेस पे, यहाँ बेस पे एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, ये फनल शेप्ड जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज मेडुलरी पेपिले या रीनल पेपिले. मेडुलरी पेपिले, दीज आर फनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स. क्लियर हो गया? ऑर्डर पता लग रहा है? बाहर की तरफ रीनल पिरामिड्स, और उसके बेस पे क्या प्रेजेंट है? ये दीज आर द मेडुलरी पेपिले और रीनल पेपिले. दीज आर दीज ऑरेंज कलर्ड, दीज आर द पेपिले. ठीक है, अब यहाँ से स्मॉल डक्ट्स अराइज होंगी. तो डक्ट्स अराइज करा देते हैं, किससे कराएं? यहाँ से कराते हैं. देखो अब यहाँ से स्मॉल डक्ट्स अराइज हो रही हैं, ये इस तरह से. ठीक है, ये जो डक्ट्स अराइज हो रही हैं, ये इसी तरह से यहाँ से भी स्मॉल डक्ट्स अराइज हो रही हैं. तो ये डक्ट्स मिल के, देखो इसको ज़रा रब करते हैं. ऑल राइट, ऑल राइट. देखो ये जो हमारी स्मॉल डक्ट्स हैं, ये स्मॉल डक्ट्स मिलके एक बड़ी डक्ट्स बना देंगी. ठीक है, और बड़ी डक्ट्स जो हैं, ये बड़ी डक्ट्स मिलके एक बहुत बड़े रीजन में ओपन हो जाती हैं, सबसे ब्रॉड रीजन में ओपन हो जाती हैं. एंड दिस ब्रॉड रीजन इज नोन एज पेल्विस. दिस इज नोन एज पेल्विस.
पेल्विस का मतलब ये होता है हिप रीजन, राइट, जो ब्रॉड रीजन है. तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ब्रॉड रीजन है, दिस इज नोन एज पेल्विस. और ये जो डक्ट्स हैं, ये डक्ट्स हैं, इनको बोला जाता है केलिसेस. डक्ट्स आर नोन एज केलिसेस. इज दैट क्लियर? अब एक और चीज़, तो बाहर वाला जो कॉर्टेक्स है ना गाइस, कॉर्टेक्स की डॉटेड अपेयरेंस होती है. ठीक है, ये डॉटेड अपेयरेंस क्यों है, दैट वी विल सी, बट इसकी डॉटेड अपेयरेंस होती है. क्लियर? दिस इज द डॉटेड अपेयरेंस. नाउ सी, अब बीच बीच में तुम देखोगे कि मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में ये जो खाली स्पेस है, यहाँ पे भी कॉर्टेक्स घुस जाता है. ठीक है, यहाँ पे भी आपका कॉर्टेक्स एंटर करेगा, पेनिट्रेट कर जाएगा बीच में. क्लियर? सो अब ये जो कॉलम्स बने हैं, सो दिस इज ऑल कॉर्टेक्स, ये तो हमें क्लियर था. पर ये जो मेडुला के बीच में कॉर्टेक्स के कॉलम्स प्रेजेंट है, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जहाँ कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, दिस पार्ट इज नोन एज कॉलम्स ऑफ Bertini. We call it columns of Bertini in the name of scientist. Is that clear? No, we call them columns of Bertini. क्या है columns of Bertini? Cortex going into the medullary pyramids. दो pyramids के बीच में cortex present होता है. Clear हो गया? So this is the structure of your kidney. समझ में आया सबको? ठीक है, बाहर protective covering है, capsule. Overall बाहर वाले region को cortex बोलेंगे. ठीक है, उल्टा टिक लगा दिया हमने. तो अंदर वाले रीजन को मेडुला बोलेंगे. मेडुला के अंदर पिरामिड्स प्रेजेंट है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स, पिरामिडल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, इनकी स्ट्राइटेड अपीयरेंस होती है. ये पॉइंट्स आप लिखते जाओगे साथ साथ. इनके बेस पे देखो क्या प्रेजेंट है, पेपिले प्रेजेंट है, फनल शेप्ड होते हैं. उसके आगे डक्ट्स अराइज होती हैं, विच आर नोन एज कैलसेस. छोटी डक्ट्स, बड़ी डक्ट्स, ये सारी मिलके एक ब्रॉड रीजन में ओपन हो जाएंगी, एंड दैट ब्रॉड रीजन इज नोन एज पेल्विस. और इस पेल्विस से अराइज हो जाता है आपका यूरेटर. तो यहाँ से बेसिकली यूरेटर अराइज हो रहा है. सो दिस इज यूरेटर, दिस इज ऑल यूरेटर. इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, दिस इज योर यूरेटर, डन. चलो ये देखते जाया करो कि डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि आपको ड्राइंग्स भी आ सकती हैं स्कूल एग्जाम्स में. ऑल राइट, सो दिस इज द डायग्राम गिवन इन योर बुक. नाउ कैन यू कंपेयर? देखो, रीनल कैप्सूल, प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गई, सबको क्लियर है? दिस इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग. आउटर रीजन इज कॉर्टेक्स. ठीक है, अंदर वाला रीजन सारा मेडुला है, और उसके अंदर ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स, मेडुलरी पिरामिड्स, और उसके बेस पे ये वाले स्ट्रक्चर्स. देखो बेस पे यहाँ नहीं दिया हुआ, लेकिन बेस पे ये जो रीजन है, दीज आर रीनल पेपिले या मेडुलरी पेपिले. क्लियर? पेपिले से अराइज हो रही हैं, पेपिले से अराइज हो रही हैं ये डक्ट्स. कैन यू सी दीज डक्ट्स? ये देखो, ये छोटी जो डक्ट्स हैं, दीज आर द केलिसेस, दीज आर द केलिसेस. ठीक है, केलिसेस विल फॉर्म दीज लार्जर केलिसेस, फाइन. और उसके बाद दे विल ओपन इन दिस ब्रॉड रीजन. ये ब्रॉड रीजन में ओपन हो जाएंगे. इस ब्रॉड रीजन को क्या बोला गया है? रीनल पेल्विस. Is that clear? ये broad region is known as renal pelvis. और ये है आपकी ureter, ये vein artery जहाँ से enter कर रही है, and this is your structure. Clear? All right. चलो अब overall जो urine का flow है वो कहाँ कहाँ रहेगा? देखो वापस से एक बार diagram revise करते हैं. तो देखो urine formation होनी है यहाँ से. ठीक है? So urine formation कैसे होगी, क्या होगी, तो that I'll tell you. पर overall urine जो बन जाता है वो present होता है medullary pyramids के अंदर. ठीक है, कॉर्टेक्स में बनना शुरू होता है, लेकिन ओवरऑल यूरिन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? पिरामिड्स के अंदर. ठीक है, पिरामिड से कहाँ जाएगा? पेपिले के अंदर. पेपिले के आगे क्या है? केलिसेस है. केलिसेस के आगे पेल्विस, पेल्विस के आगे यूरेटर. यूरेटर कहाँ लेके जाएगा? ब्लैडर में. और ब्लैडर से आगे यूरेथ्रा. क्लियर? सो दिस इज द फ्लो ऑफ यूरिन. सो सी, फ्लो ऑफ यूरिन कैसा रहेगा? सो स्टार्टिंग विद रीनल या मेडुलरी पिरामिड्स, पिरामिड से रीनल पेपिले, पेपिले के आगे डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, जो छोटी डक्ट्स हैं उनको हम माइनर केलिसेस बोल देते हैं, और माइनर केलिसेस जुड़ के बना देती हैं बड़ी डक्ट्स, जो नहीं दिखाई हुई यहाँ पे, बट मेजर केलिसेस. ओवरऑल केलिसेस भी लिखोगे तो चलेगा. ठीक है, ऑल राइट. सो केलिसेस के बाद कहाँ जाने वाला है यूरिन? केलिसेस के बाद जाएगा वो पेल्विस में. ठीक है, पेल्विस से इट इज गोइंग टू एंटर इन योर यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर से इट विल कम आउट थ्रू यूरेथ्रा एंड आउटसाइड.
So this is the pathway of urine. Clear है? All right. चलिए अब हमने अभी तक एक चैप दो चैप्टर्स कर लिए हैं, हमें इतना तो आइडिया हो गया है कि काम करने वाला अल्टीमेटली कौन है, सेल. बचपन से एक लाइन पढ़ रहे हैं, द फंक्शनल एंड यूनिट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी इज सेल. तो अल्टीमेटली काम कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके वो काम करते हैं. तो उस एक यूनिट को, उस एक ग्रुप ऑफ सेल्स को जहाँ पे कि काम हो रहा है अल्टीमेटली, उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिट. ठीक है, अब देखो जैसे हमारे लंग्स का यूनिट क्या था, एल्वियोलाई. इसी तरह से किडनी के यूनिट्स क्या हैं, नेफ्रॉन्स. ठीक है, दीज आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी कॉल्ड नेफ्रॉन्स. और हर एक किडनी के अंदर अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर फाउंड इन ईच किडनी, पर किडनी. ठीक है, सो वी आर ऑल मिलियनर्स, रादर वी आर मल्टी मिलियनर्स, राइट, क्योंकि आपके लंग्स के अंदर 300 मिलियन एल्वियोलाई आर प्रेजेंट, सो बिग नंबर. चलो अब ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने ज़रूर देखा होगा कुछ ऐसा, राइट. अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इसकी देखो डिवीजन कैसे होती है. सो नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं, ठीक है, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, यू हैव टू रीड इट. देखो इसके दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज ग्लोमेरुलस एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड रीनल ट्रिब्यून. एक्चुअली अलग अलग बुक्स में ये क्लासिफिकेशन थोड़ी सी वेरी कर जाती है, बट हमारे लिए बाइबल कौन है, एनसीईआरटी, सो वील गो बाय एनसीईआरटी. ठीक है, सो ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस ग्रुप ऑफ कैपिलरीज होती है, ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन द बोमैन्स कैप्सूल. नाउ व्हाट इज बोमैन्स कैप्सूल, वील जस्ट सी इन द कप शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमैन्स कैप्सूल. क्लियर, ग्लोमेरुलस. बाकी का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड रीनल ट्रिब्यूल. देखो इसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स आते हैं, इसमें आ जाएगा नंबर वन योर बोमैन्स कैप्सूल. बोमैन्स कैप्सूल के अलावा वील हैव फोल्डेड स्ट्रक्चर कॉल्ड पीसीटी, आई विल बी राइटिंग द फुल फॉर्म्स लेटर ऑन. देन वी हैव यू शेप्ड स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनले एंड वी हैव अनदर फोल्डेड स्ट्रक्चर कॉल्ड डीसीटी. क्लियर, सो ये है हमारे दो पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. क्लियर, नाउ लेट्स सी हाउ डज इट लुक लाइक. सो इट लुक्स लाइक दिस. ठीक है, ये जितना भी येलो वाला पार्ट है दिस इज ऑल योर नेफ्रॉन, और जो आसपास रेड है दीज आर द ब्लड कैपिलरीज, मींस दिस इज अ ब्लड सप्लाई. ब्लड सप्लाई को अभी भूल जाओ. तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे इसका नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन में देखो ये जो ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं दीज आर नोन एज ग्लोमेरुलस. बस ये वाली ब्लड कैपिलरीज हमने देखनी है. कहाँ पे प्रेजेंट है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर में. दिस इज दैट कप शेप्ड स्ट्रक्चर and this cup shaped structure is known as Bowman's capsule. It is cup shaped structure. मैं भी draw करूँगी, don't worry. Cup shaped structure, ताकि आपको समझ में आए कि draw कैसे करना है. बट पहले एक बार diagram देख लेते हैं. Clear? So this was the first part and this is the second part. Bowman's capsule. अब ये Bowman's capsule के बाद देखो highly folded structure is present. ये highly folded structure. Highly folded structure. This folded structure is known as proximal convoluted tubule या PCT. Proximal का मतलब होता है पहला, convolution का मतलब होता है folded. तो जो folded structure पहले आ रहा है PCT. ऐसे folded structure पीछे भी आएगा, ठीक है. So सबसे पहले Bowman's capsule, उसके पीछे highly folded structure PCT, and then there is this U-shaped structure. This U-shaped structure is known as इट इज़ नोन एज हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले. लूप का मतलब होता है यू शेप्ड स्ट्रक्चर. हेनले वॉज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है. अब देखो इसकी ये वाली लिम नीचे फिल्ट्रेट को लेके जाएगी, सो दिस इज नोन एज डिसेंडिंग लिम, एंड यहाँ से फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा, सो इट इज़ नोन एज द असेंडिंग लिम. क्लियर, एंड अगेन देर इज अ हाईली फोल्डेड ट्यूब, एंड ये पीछे की तरफ आ रही है, बाद में आ रही है, सो दिस इज नोन एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डी सी टी. क्लियर, एंड बहुत सारे नेफ्रॉन्स की जो डी सी टीज हैं वो ओपन हो जाती हैं इस ट्यूब में. दिस ट्यूब दैट आई एम मार्किंग विद रेड, ठीक है, एंड दिस ट्यूब, यहाँ से देखो बहुत सारी डी सी टीज आएंगी. कईयों की डी सी टीज ओपन हो रही हैं यहाँ पे, इधर से एक और डी सी टी आ जाएगी, सो दे विल बी ओपनिंग इन दिस कलेक्टिंग डक्ट.
ठीक है। सो अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, कलेक्टिंग डक्ट इसका मतलब एक नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, उस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स ओपन हो रहे हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो अब देखो बोमैन्स कैप्सूल, अब एक एक को देखते हैं। बोमैन्स कैप्सूल क्या है? बोमैन्स कैप्सूल है, बोमैन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट सर विलियम बोमैन हु स्टडीड इट। ठीक है, कैप्सूल है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, सबसे पहला पार्ट, सो इस तरह का स्ट्रक्चर, सो दिस इज बोमैन्स कैप्सूल। क्लियर? अब किडनी के अंदर ब्लड कौन लेके आ रही है? कौन लेके आ रही है? रीनल आर्टरी। कल मैंने तुम्हें सर्कुलेशन में पढ़ाया था, आर्टरी सबसे पहले टूटती है आर्टीरियोल्स में, है ना। हम बेसिकली तीन ब्लड वेसल्स करते हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, लेकिन आर्टरी एकदम से कैपिलरी में नहीं टूटती। आर्टरी पहले किस में टूटती है? आर्टीरियोल्स में। इन द एंड ऑफ द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन दैट डायग्राम। फिर आर्टीरियोल्स आगे टूटते हैं कैपिलरीज में। कल भी मैंने मेंशन किया था कि आज के लेक्चर में वो आर्टीरियोल वर्ड आने वाला है। नाउ सी, किडनी को ब्लड किसने सप्लाई किया? ब्लड सप्लाई किया रीनल आर्टरी ने। रीनल आर्टरी जैसे ही किडनी के अंदर एंटर करती है वो टूट जाती है आर्टीरियोल्स में, वो टूटती है आर्टीरियोल्स में। जितने नेफ्रॉन्स उतने आर्टीरियोल्स, यानी 1 मिलियन आर्टीरियोल्स इन ईच किडनी। क्लियर? और फिर वो आर्टीरियोल्स आगे टूटेंगे इनटू कैपिलरीज। सो अब यहाँ पे ये आर्टीरियोल है, ठीक है, रीनल आर्टरी आई, इट ब्रोक ऑफ इनटू द आर्टीरियोल। नाउ दिस आर्टीरियोल इज नोन एज एफरेंट आर्टीरियोल, जो ब्लड लेके आ रही है दिस इज द एफरेंट आर्टीरियोल। क्लियर? अब ये एफरेंट आर्टीरियोल एंटर करेगी इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर में एंड इट विल ब्रेक ऑफ इनटू लॉट्स ऑफ कैपिलरीज। इज इट क्लियर? एंड दिस सेट ऑफ कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेरुलस। सो ग्लोमेरुलस उस ग्रुप ऑफ कैपिलरीज को बोलना है जो सिर्फ बोमैन्स कैप्सूल में प्रेजेंट है। अलग अलग जगह पे कैपिलरीज का अलग अलग नाम रहेगा। क्लियर? तो बोमैन्स कैप्सूल के अंदर जो ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ठीक है, और अब देखो ये इस तरह से बाहर निकल जाती है। ठीक है, कैपिलरीज रीजॉइन होके फिर एक ब्लड वेसल बना लेंगी और यहाँ पे इस ब्लड वेसल को हम बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। आई नो दिमाग में आ रहा है कि भाई कैपिलरीज के बाद तो विन्यूल बनना चाहिए, लेकिन किडनी के आसपास जो ब्लड सप्लाई है ना वो थोड़ी यूनिक होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे काम है, ये कैसे काम करता है, ये ब्लड सप्लाई का क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें कल समझ में आने वाला है, आज हम सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ सी, एफरेंट आर्टीरियोल होगा, ये ब्लड लेके गई, तो लेके कौन आ रही है टुवर्ड्स बोमैन्स कैप्सूल? एफरेंट। और लेके कौन जा रही है? एफरेंट। अब देखो मैंने एफरेंट आर्टीरियोल नैरो बनाई है। क्या बनाई है? नैरो बनाई है, पतली बनाई है, गलती से नहीं बनाई, जानबूझ के बनाई है, क्योंकि ये नैरो होती है। एफरेंट आर्टीरियोल ब्रॉड होती है। अब उससे होगा क्या? देखो पीछे से ब्लड ज्यादा आएगा, निकलने के लिए जगह कम है, तो सारा प्रेशर किस पे पड़ने वाला है? इस ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर डेवलप होगा और इसी प्रेशर की वजह से आपका ब्लड फिल्टर होना है। ठीक है, इसी प्रेशर की वजह से आपका ब्लड फिल्टर हो जाना है। इनफैक्ट इतनी फिल्ट्रेशन हो जानी है कि ब्लड के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, इतनी फिल्ट्रेशन। एक दिन के अंदर 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट इज प्रोड्यूस्ड, 180 लीटर एक दिन के अंदर। पर यूरिन कितना बनता है? सिर्फ 1.5 से 2 लीटर। तो फिर वो बाकी का 98 से 99% का क्या होगा? वी विल सी दैट ऑल टुमोरो। ठीक है, चलो देखो। सो ये ब्रॉड है, ये नैरो है, और ये ग्लोमेरुलस है। डन। सो वी वर डिस्कसिंग बोमैन्स कैप्सूल, जरा बोमैन्स कैप्सूल पे वापस आते हैं। तो बोमैन्स कैप्सूल देखो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इट इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर, फाइन। डबल वॉल्ड है, डबल वॉल्ड। सो सी, इसकी आउटर वॉल, आउटर के लिए हमेशा टर्म यूज होती है पेराइटल, सो दिस इज पेराइटल वॉल एंड दिस इज द इनर वॉल। इनर के लिए टर्म यूज होती है विसरल, सो दीज आर द टू वॉल्स। अब पेराइटल वॉल के अंदर अलग सेल्स प्रेजेंट है। पेराइटल वॉल हैज पतले सेल्स एंड व्हाट डू वी कॉल दीज पतले सेल्स? स्क्वामस एपिथीलियम, we call it squamous epithelium. So parietal wall is formed of squamous epithelium. Now this is all NCRT, you will find it all in the NCRT, so please read NCRT very very well. Is that clear?
अब देखो विसरल के अंदर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट हैं। विसरल के अंदर स्पेशल सेल्स जो प्रेजेंट होंगे उन सेल्स को हम बोलने वाले हैं पोडोसाइट्स। ना सी, यहाँ पे स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे तो ये सारा आ गया। सो दीज आर ऑल पतले सेल्स, ठीक है। अब जो इनर वॉल है यहाँ पे स्पेशल सेल्स हैं। दीज स्पेशल सेल्स आर नोन एज पोडोसाइट्स। देखो ये ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है ऐसे। दीज आर फॉर्म प्रेजेंट इन द इनर वॉल एंड दीज आर कॉल्ड, दिस इज द विसरल वॉल। और इसके अंदर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है कॉल्ड पोडोसाइट्स। पोडा का मतलब होता है फीट, जो पैरों की तरफ नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट है। दीज सेल्स आर कॉल्ड पोडोसाइट्स। क्लियर? कैन यू सी पोडोसाइट्स के बीच में मैंने खाली स्पेसेस छोड़ी। तो ये जो खाली स्पेसेस हैं, ये खाली स्पेस, इस खाली स्पेस को बोलते हैं, यानी जो बीच में स्पेसेस रह गई, यहाँ से फिल्ट्रेशन होके चीज़ें निकलनी है। सो वी कॉल देम फिल्ट्रेशन पोर्स या फिल्ट्रेशन स्लिट्स, फिल्ट्रेशन पोर्स या स्लिट पोर्स। वी कॉल देम स्लिट पोर्स। स्लिट का मतलब होता है लाइक ओपनिंग, राइट? देयर इज अ कट। फिल्ट्रेशन, यहाँ से फिल्ट्रेशन होके चीज़ें बाहर आएंगी। और कहाँ पे कलेक्ट होंगी? इट विल कलेक्ट इन दिस स्पेस। ये जो सारी स्पेस है यहाँ पे फिल्ट्रेट इकट्ठा होना है। ब्लड से फिल्टर होके जो बनेगा दैट विल बी नोन एज फिल्ट्रेट। एकदम से उसको यूरिन नहीं बोलते हैं, क्लियर? यूरिन जाके बोलते हैं उसे जब वो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है, क्योंकि उससे पहले उसके अंदर बहुत छेड़छाड़ होनी है, बहुत सारे चेंजेस होने हैं, क्लियर? अब ये जो स्पेस है जहां पे फिल्ट्रेट इकट्ठा हो रहा है ना, दिस स्पेस इज नोन एज कैप्सुलर स्पेस। दिस इज नोन एज कैप्सुलर स्पेस। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोमैन्स कैप्सूल। नाउ व्हेन यू विल रीड एनसीईआरटी यू विल कम अक्रॉस ऑल ऑफ इट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। सब थ्योरी में दे रखा है, हमने उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। बोर्ड एग्जाम्स में या कोई भी स्कूल एग्जाम्स में मार्क्स लेने बहुत ईजी होते हैं अगर आप बायोलॉजी में बिना पूछे डायग्राम्स ड्रॉ करो। ऑलवेज सपोर्ट योर आंसर्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स गाइज। बिना पूछे फ्लो चार्ट्स, बिना पूछे डायग्राम्स। वन पिक्चर इज मोर दैन 1000 वर्ड्स। बजाय कि आप पूरी वहाँ पे रामायण लिख रहे हो, डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करो, टीचर को भी मज़ा आता है, ठीक है? क्यों बोर करते हो टीचर्स को? चलो नेक्स्ट इज रीनल ट्यूब्यूल। अब देखो इसके बाद, इसके पीछे यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी पीसीटी, ठीक है? तो वो पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, दैट विल ऑल फॉर्म योर रीनल ट्यूब्यूल। देखो सो ये हो गया हमारा बोमैन्स कैप्स्यूल। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, ग्लोमेरुलस और बोमैन्स कैप्सूल को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? देखो ये इकट्ठे प्रेजेंट है, सो ग्लोमेरुलस प्लस बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है, इट इज कलेक्टिवली नोन एज रीनल बॉडी या रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल, ठीक है, या माल्फीजन कॉर्पसल। माल्फीजी इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। माल्फीजी ने बहुत सारी स्टडी की है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को लेके, ठीक है? सो माल्फीजन ट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन कॉकरोच, लाइक माय फेवरेट कॉकरोच, ठीक है? चलो सो ये हो गया। अब बोमैन्स कैप्सूल हो गया। बोमैन्स कैप्सूल के बाद ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, ठीक है? दिस इज ऑल योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। दिस यू शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। अब ये लूप ऑफ हेनले के अंदर एक रीजन आता है जिसमें कि ये लूप ऑफ हेनले पतली हो जाती है, काफ़ी पतली पड़ जाती है, ठीक है? दिस इज थिन एंड अगेन इट विल बिकम ब्रॉड, और ब्रॉड होने के बाद इट विल अगेन बिकम हाईली कॉन्वोल्यूटेड, एंड ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड विल बी नोन एज डीसीटी। और ये बहुत सारे डीसीटीज ओपन हो जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स में, क्लियर? अब देखो कौन से रीजन में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है। सो दिस हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज नोन एज पीसीटी, ठीक है? दिस यू शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज लूप ऑफ हेनले, एंड दिस हाईली कॉल्ड अनदर स्ट्रक्चर इज डीसीटी, क्लियर? अब यहाँ पे कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है, अंडरस्टैंड दिस। पीसीटी के अंदर प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथीलियम। देखो एक याद रखने की ट्रिक बता रही हूँ, पूरे नेफ्रॉन के अंदर दो तरह के सेल्स हैं, या वो क्यूबॉइडल हैं या वो स्क्वामस हैं। बोमैन्स कैप्सूल में भी आपने देखा बाहर की तरफ स्क्वामस थे, अंदर की तरफ पोडोसाइट्स थे, तो वो पोडोसाइट्स क्या थे? क्यूबॉइडल एपिथीलियम थी,
उसकी मॉडिफिकेशन थी, उसको हम पोडोसाइट्स बोल देते हैं। पीसीटी के अंदर भी कोबॉइडल एपिथीलियम होगा, ठीक है। अब लूप ऑफ हेले के अंदर ये जो थिक सेगमेंट्स हैं, इन थिक सेगमेंट्स के अंदर, चाहे असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, थिक सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होगा क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ठीक है। और जो इसका थिन सेगमेंट्स होंगे, थिन के अंदर प्रेजेंट होगा स्क्वामस एपिथीलियम। वेरी इजी टू रिमेम्बर, ठीक है। दो ही तरह के सेल्स हैं। डीसीटी के अंदर भी क्या है? क्यूबॉइडल एपिथीलियम। क्लियर? नाउ सी, पीसीटी में एक चीज ऐड कर लेनी है, क्योंकि पीसीटी के अंदर सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन होनी है। तो पीसीटी के अंदर रीअब्सॉर्प्शन को एनहांस करने के लिए क्यूबॉइडल सेल्स ने अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लिया है, और यहां पे प्रेजेंट होगा ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ठीक है। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथीलियम, दिस इज टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीअब्सॉर्प्शन। अभी क्या होती है रीअब्सॉर्प्शन, दैट वी आर ऑल गोइंग टू डिस्कस टुमारो। क्लियर? तो यहां पे देखो, यहां पे ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगे, ये क्यूबॉइडल है और ब्रश बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ पे क्यूबॉइडल, यहाँ पे स्क्वामस, फिर क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एंड क्यूबॉइडल। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द रीनल ट्रिब्यून। सो गाइज, वी विल स्टॉप हियर। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इसके आसपास ब्लड सप्लाई कैसी होती है, ठीक है। चलो, सो लेट्स डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस हियर बिफोर वी गो। एंड हम ये भी देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स कौन सी हैं। सो लेट्स हैव अ नीट स्प्रिंट, सो नीट स्प्रिंट बिफोर वी लीव। आज ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आई हूँ, क्योंकि डिमांड आई थी कि मैम ज़्यादा क्वेश्चंस दिया करो। चलो, सो अर्थवर्म्स। अच्छा, इसी क्वेश्चन से एक चीज़ और बताऊँगी। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि टैडपोल पानी में रहता है तो वो अमोनोटेलिक होता है, ठीक है। और जब वो बड़ा हो जाता है, यानी एडल्ट हो जाता है, लैंड पे आ जाता है, इट बिकम्स यूरियोटेलिक, यूरिया, यूरिया बनाता है। ऐसे ही पानी की अवेलेबिलिटी से कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना मोड जो है चेंज कर लेते हैं, दे कैन चेंज। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सी अर्थवर्म जो है ये एक्सक्रीट करता है बोथ अमोनिया एंड यूरिया। डिपेंड करेगा कि उसके पास कितना पानी है। कम पानी है तो यूरिया बना लेगा, और अगर ज्यादा पानी है, ठीक है, तो इट कैन रिलीज अमोनिया। एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मीन्स वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। सो ये असर्शन रीजन क्वेश्चंस, दे आर गुड फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक है। एम्स का पेपर बेशक हट गया है, बट डू प्रैक्टिस दीज असर्शन रीजन क्वेश्चंस, दे विल एक्चुअली हेल्प यू टू चेक योर कॉन्सेप्ट्स। नाउ सी, जब भी असर्शन रीजन करने होते हैं ना, एक ट्रिक बता रही हूं, यहां पे बिकॉज लगा के देख लो। अगर बिकॉज लगा के अगली सेंटेंस की लाइन, आई मीन अगली लाइन की बात बनती है, कि अगली लाइन जो है वो रीजन एक्सप्लेन कर रही है, तो ऑप्शन इज ए, ठीक है। देखो, सो अर्थवर्म्स एक्सक्रीट बोथ अमोनिया एंड यूरिया बिकॉज एक्सक्रीशन डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट। यस, ठीक है। सो बोथ असर्शंस आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर इज ए। Moving on to the next question. So, I've already told you, excretion in tadpole is, you have to answer in the comment section. Then, uricotelic is found in, so example based. Dekho, ye examples wale questions are very, very important. Very, very important examples. So, previous ye question bhi hai. So, you have, and it is given in NCRT. So, please give the answer in the comment section. Clear? Chaliye. Proximal convoluted tubule. I just told you, kaun sa cells ne isko line kiya hai. सिंपल, और सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर, ठीक है। और अगर मल्टीपल लेयर्स में है तो उसको हम कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड बोल देते हैं, लेकिन यहाँ सारे सेल्स हमने सिंगल लेयर में किए हैं, तो ये याद रख लेना। तो कौन से सेल्स किए हमने? कॉलमनर नहीं, क्यूबॉइडल यस, लेकिन ब्रश बॉर्डर होने चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, आंसर इज 3। नेक्स्ट, वासा रेक्टा, दैट वील डिस्कस टुमारो, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय, ग्लोमेरुलस से दूर कौन ब्लड लेके जाता है? लेके आया था एफरेंट, लेके कौन जाएगा? आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो। और कल हम डिस्कस करेंगे ब्लड सप्लाई, एंड वी विल स्टार्ट विद द फंक्शनल एस्पेक्ट, कि किडनीज ब्लड को फिल्टर करती कैसे हैं, कैसे कैसे ये आपके बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन रखेगी, ठीक है। और कल हम देखेंगे कि जब मम्मी हमें अलमीरा साफ करने को कहती है, तो वो अलमीरा साफ करना और हमारा ब्लड फिल्टर होना कैसे रिलेटेड है। वी विल डिस्कस इट ऑल टुमारो। टिल देन, कीप स्माइलिंग। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।